देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी। बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। अखिलेश जी, अनुज जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर व्यू जानना चाहूंगा। आपने जब पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि कैसर में थोड़ा नरमी वाला रुझान देखने को मिल सकता है, ठीक वैसा ही ट्रेड हम कैसर को अभी होते हुए देख रहे हैं। कैसे सीड का जनवरी वायदा 5800 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कैसर अभी नीचे और ज्यादा गिरता नजर आ सकता है? देखिए, अभी लग रहा है कि कैसर में जो डाउनसाइड इंपैक्ट है वो कंटिन्यूस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अराइवल्स है वो बढ़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भाव अभी जो है और डाउनसाइड आ सकते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि नीचे 5600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्टर के अंदर दिवाली का ट्रेंड है, यहाँ पर भाव अभी लग रहा है कि 100 से 150 रुपए और नीचे आ सकते हैं। एटलीस्ट 5600 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मंडियों में आवक बढ़ी है, उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है जी। तो यानी कि कैसे सीड की जो आवकें हैं मंडियों में, उनमें इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से कैसर में वायदा की कीमतों में गिरावट वाला माहौल बनता नजर आ रहा है। अभी कैसर में थोड़ा और भी क्वाली वाला माहौल देखने को मिल सकता है, और अनुज गुप्ता जी के मुताबिक कैसर सीड का वायदा वजह नीचे 5600 के लेवल्स तक ट्रेड करता नजर आ सकता है। यहीं से अनुज जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने 2800 के बाद 2900 का लेवल दिया था, वो अचीव होता नजर आ चुका है। अब आपको यहां से क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2021 अंत होने को है, तो क्या साल 2022 में बिनौला खल में शानदार कीमतें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, बिल्कुल बिनौला खल हमें लग रहा है कि ऊपर में 3000 का लेवल अभी नीचे ली है, अगर वो ब्रेक होता है तो 2500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल की एक में खरीदारी का ट्रेंड बनाए, ऊपर में 3000 और उसके बाद 3200 तक का लेवल देखा जा सकता है। डिमांड यहाँ पर बड़ी है, और इस बार अगर हम खल की जो पैदावार है उसके अगर बारे में बात करें कि उसका प्रोडक्शन है, कॉटन का जो प्रोडक्शन है उससे जो खली तैयार होती है वो करीबन 10 से 15% कम बताई जा रही है जी। तो मुझे लगता है कि उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं डिमांड साइड बढ़ती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि 3000 और फिर 3200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं जी। तो यानी कि सप्लाई और डिमांड के बीच का जो अंतर है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली है, सप्लाई थोड़ी कम है खल की और डिमांड ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल डिमांड अच्छी है बिनौला खल की, जिसकी वजह से बिनौला खल की जो कीमतें अनुज गुप्ता जी के मुताबिक आगे तेजी दिखलाती नजर आ सकती हैं। 3000 का लेवल टच करने के बाद बिनौला खल ऊपर में अनुज गुप्ता के मुताबिक 3200 तक जाता नजर आ सकता है। यहीं से अनुज जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे हफ्ता है ये जो मसालों की कीमतों में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे हल्दी हो, धनिया हो या फिर जीरा हो, मसालों में एक हल्की गिरावट देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, क्या नए साल पर कुछ एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होने की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कीमतों में तेजी बन पाए? देखिए, मसालों में हमने अच्छी खासी मोमेंटम आते हुए देखा है, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और उस वजह से भी यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूस आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखे तो जिस तरीके से मसालों में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में और अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और आगे जो एक्सपोर्ट डिमांड है और डोमेस्टिक डिमांड है वो भी काफी अच्छी बनी हुई है। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल मसालों के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेंड बना है। पर्टिकुलरली जीरे की अगर बात करें और टर्मरिक की बात करते हैं, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, हमें लगता है कि अभी जीरा टर्मरिक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले साल में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और टेक्निकल चार्ट पे भी एक ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है जी। अनुज जी, लेवल्स क्या क्या रहेंगे धनिया, जीरा और हल्दी के तेजी के बाद, अगर तेजी आती है तो? देखिए, पिछले साल अगर हम देखें तो मतलब 2021 की अगर बात करें तो करीबन 27% जीरा का भाव बढ़ा है और टर्मरिक करीबन 52% के भाव बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 18000 तक के लेवल अगर हम आने वाले 1 या 2 महीने की बात करें तो जीरा में देखे जा सकते हैं। टर्मरिक अगेन 10000 तक के लेवल को यहाँ पे छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें लगता है कि जीरा और टर्मरिक में, जीरा में करीबन 18000 और टर्मरिक में करीबन 10000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं जी। तो यानी कि जीरे में और हल्दी में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं,
अनुज गुप्ता जी के मुताबिक जीरा 1 से 2 महीने में 18,000 तक ज़्यादा नज़र आ सकता है और टर्मेरिक यानी हल्दी 10,000 तक। ये से अनुज जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं एक रेंज देखने को मिल रही है, नीचे में 10,000 से नहीं ज़्यादा नहीं जा रहा है और ऊपर में 11,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। आपको क्या लग रहा है ये रेंज कब तक और देखने को मिल सकती है? क्या ये रेंज टूटती नजर आएगी? क्या ग्वार कॉम्प्लेक्स और तेजी की ओर जाता नजर आएगा? देखिए ग्वार में अगर आप पिछले 15-20 दिनों से देखेंगे तो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर में करीबन 6,300 और नीचे में करीबन 6,000। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं वो एक काफी सपोर्टिव फैक्टर है। और फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि अब बारिश स्टार्ट हुई है तो उससे थोड़ा सा जो अराइवल है वो थोड़ा कम रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही इसमें 6,300 के लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा और ऊपर भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,700-6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर इनिशियली हम 6,500 को टारगेट करेंगे, उसके बाद 6,700 को टारगेट कर सकते हैं। डिमांड स्ट्रांग है और क्रूड के भावों से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो करंट ट्रेड से मुझे लगता है कि 200-300 रुपए की तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि ग्वार की कीमतों में भी और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। क्रूड के भावों, क्रूड के जो तेजी आज देखने को मिल रही है कच्चे तेल की कीमतों में, उसकी तेजी का सपोर्ट कहीं ना कहीं ग्वार की कीमतों में पड़ता नजर आ सकता है, जो कि ग्वार की कीमतों को ऊपर में 6,800 तक लेके जा सकता है। ये से अनुज जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने कल के मुकाबले देख रहे हैं आज और अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल को हमने सोयाबीन को 6,300 पर ट्रेड होते देखा, आज देख रहे हैं 6,450 तक का ही लगा चुकी है। आपको क्या लग रहा है सोयाबीन में आगे एक रेंज देखने को मिलेगी या फिर यहाँ से सोयाबीन और तेजी की ओर जाएगी? देखिए सोयाबीन की अगर बात करें तो हालत भी फ्यूचर्स मार्केट में डीलिस्ट हुआ है, फ्रेश पोजीशन नहीं है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोयाबीन के प्राइसेस में हम आगे थोड़ी सी तेजी आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़े हैं उससे काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,700-6,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर एक चीज और है कि आगे जो सरसों है उसकी अराइवल स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से हम एक प्रेशर भी आते हुए देखेंगे, तो ज्यादा तेजी नहीं, 200-300 रुपए की तेजी यहाँ पर आ सकती है, फिर उसके बाद बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड रख सकते हैं, मगर लंबी अवधि में वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। मगर फिलहाल अभी करंट सिचुएशन से हमें लगता है कि भावों में 200-300 रुपए की तेजी देखी जा सकती है। जी, तो यानी कि छोटी अवधि में तो सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, 200-300 रुपए की तेजी अनुज गुप्ता जी के मुताबिक सोयाबीन की कीमतों में यहाँ से अभी करंट सिचुएशन से बनती नजर आ सकती है। लेकिन आगे जाके ये भी होगा कि सरसों की नई आवक की मंडियों में आ जाएंगी, जिसकी वजह से बम्पर आवकें देखने को मिलेंगी जो खाद्य तेल को सपोर्ट देती नजर आएंगी। सप्लाई अच्छी रहेगी, डिमांड भी ठीक ठाक रहेगी, सप्लाई भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आगे जाके लंबी अवधि में सोयाबीन में कुछ हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन छोटी अवधि में खरीदारी में अनुज गुप्ता जी के मुताबिक सोयाबीन में रहा जा सकता है। ये सर जी बात करें अगर M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिमांड तो अच्छी खासी है और फसलें भी यहाँ पे कॉटन की खराब होती नजर आई है, तो ऐसे में आगे कॉटन की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए कॉटन के प्राइसेस में अच्छी खासी मोमेंटम हमने देखने को मिला है और आगे भी लग रहा है कॉटन के प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने तेजी देखी है और हमें लगता है कि कॉटन के भाव आगे 35,000 की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं, तो कॉटन के अंदर खरीदारी का ट्रेंड बनाया जा सकता है। जी, तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में तेजी के चलते कॉटन की कीमतों को यहाँ भी तेजी की ओर जाता हुआ नजर, कॉटन की कीमतें यहाँ भी घरेलू में वायदा में भी तेजी की ओर जाती नजर आ सकती हैं, 35,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये से अनुज जी बात करें अगर मैंथा ऑयल की, तो मैंथा में अभी क्या फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं और आगे मैंथा में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए मैंथा में आगे हम तेजी मान के चल रहे हैं क्योंकि आगे एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है, हमें लगता है कि उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा और मैंथा में जैसे जैसे भाव आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि डिमांड भी यहाँ बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट डिमांड काफी खासी अच्छी रहेगी और भारत के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी यहाँ बढ़ सकती है। और अगर हम लेवल वाइज भी देखें तो वो काफी लोअर लेवल्स है, हमें लगता है कि यहाँ से आगे बढ़त भी देखने को मिलेगी, तो मैंथा में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ऊपर में हम टारगेट कर रहे हैं 1,020 से लेकर 1,050 का लेवल देखा जा सकता है। जी, तो यानी कि मैंथा की लोअर लेवल बाइंग निकल के सामने आ सकती है, जो मैंथा की कीमतों को ऊपर में 1,020 से लेकर 1,050 तक लेके जा सकती है। अनुज जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से एग्री में जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और साल 2022 में भी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें लगता है कि ग्वार के अंदर खरीदारी करके चले, ऊपर में 6,300 से लेकर 6,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, साथ में खल के अंदर भी खरीदारी करें, ऊपर में टारगेट करीबन 3,000 से लेकर 3,200 तक देखने को मिल सकता है। जहां तक सवाल है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड और 2022 के आउटलुक का, मुझे लगता है कि हर मसालों के अंदर अच्छा एक ट्रेंड रहेगा और जीरा करीबन 18,000 से लेकर 20,000 तक जा सकता है,
वहीं मेंथा ऑयल जो है काफी अच्छा है, मुझे लगता है यहाँ से काफी लोअर लेवल है, यहाँ पे तजारी का ट्रेड बना सकते हैं। 1200 तक के लेवल मेंथा में मुझे लगता है कि 2022 में देखे जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अनुज जी ने बताया कि साल 2022 में लॉन्ग टर्म में मसालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और दूसरों उन्होंने मेंथा ऑयल बताया। तो ये तो कम्युनिटीज होंगी जो साल 2022 में अनुज गुप्ता जी के मुताबिक अच्छा रिटर्न देती नजर आ सकती हैं। वहीं से शॉर्ट टर्म में उन्होंने ग्वार और बिनौला खल में खरीदारी की सलाह दी है। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।